आओ चलो, आओ चलकर देखो, तुम कहाँ रह गए और हम कहाँ पहुंच गए। क्लासिक पिक्चर बनाया एकदम। हाँ, वेलकम इडियट। अप्रैल 22। आओ अप्रैल 22। सबको मेरा वॉइस आ रहा है ऑनलाइन में? यस नो? नो वंडर यू ऑल डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए सिमरन की बहन, क्या हो रही है, सो क्यों रही हो? हाँ दादा, हाँ चलो आओ। An investor is considering making an investment and is deciding between two possible alternatives. Question number 2. This is April. ठीक है, इतना सोचो मत तुम लोग। सिक्स मंथ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी परचेज एट अ सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट। सो सिक्स मंथ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी परचेज एट अ सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना बोला है? ए एसी चलाओ दोनों। क्वेश्चन 2 2 2 2 2, ये रहा देखो। डी कितना दिया हुआ है? अ बैंक डिपॉजिट फॉर 6 मंथ्स, ऑफरिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 4.35%। अब बताओ कैसे करेंगे? विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स ऑफर हायर रेट ऑफ रिटर्न? तो यहां पर सिंपल डिस्काउंट दिया हुआ है ना, सो बेसिकली 100 मान लो, सो 100 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 0.0415, तो कितना आ रहा है बताओ, बोलो। आई लास्ट बेंच, क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। हाँ पहले प्राइस निकालो। 97 पॉइंट। अब यहां से आई निकाल लो, यहां से आएगा 4.283%। ठीक है, सो दूसरा वाला में अच्छा रिटर्न आ रहा है। पहला वाला से जब हम लोग निकाले, पहला वाला से निकालने से कितना आ रहा है बताओ, 4.283, और दूसरा वाला में कितना आ रहा है? ठीक है, सिंपल डिस्काउंट है ना, तो तुम निकालेगा 1 माइनस 0.5 इंटू, वही तो किए हैं यार, एक ही तो बात है, वही तो किए हैं एक तरीके से। यहां पर वो लगा दिए और यहां पर ये है, तुम एक स्टेप में करेगा, हम दो स्टेप में कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। रेडी रहना उसके बगल में, सिमरन की बहन रेडी रहना। इंश्योरेंस कंपनी हैज लाइबिलिटीज 4 मिलियन ड्यू इन 7 ईयर्स टाइम
एंड 13 मिलियन ड्यू इन 11 इयर्स टाइम, पीवीएल बोलो। हाँ द कंपनी हैज एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 0 कूपन बॉन्ड्स, वन पेइंग इतना इन 4 इयर्स, द अदर पेइंग इतना इन 18 इयर्स, उसके बगल में यस पीवीए, जोर से बोलो। हाँ छह परसेंट है। डिमॉन्स्ट्रेट दैट रेडिंगटन्स फर्स्ट टू कंडीशंस फॉर इम्यूनाइजेशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है? तो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई करना है इसमें, तो क्या निकालेंगे बोलो, तुम बोलो। पीवीए इज पीवीएल, और फिर क्या निकालेंगे, डीएमटी निकाल लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में, ओ यही बोला था इसमें, ठीक है, ये तो इजी है ना। एबा बताओ डीएमटीएल का इक्वेशन क्या बनाएंगे? यस यू, ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली एसेट का भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ एन ईयर टेम्पररी एन्युइटी ऑफ 1 पर एनम पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इश्यू टू अ लाइफ एज एक्स एग्जैक्ट। यस, सामने बोल। वेरिएंस करवाया है ना, क्या था बोल, पीछे देख के बोलो सब लोग कॉपी में। 1/d² 2a xn+1, यही आया था अपना, -ax n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है? देख लो इसको। इसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द वेरिएंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 20 ईयर टेम्पररी एन्युइटी। अब अपने को अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितना है 5000, लाइफ का एज कितना है 44, और एन कितना है 20। अब चालू करो, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताइए। 5000 का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, हाँ बोलो, 2a 4421 - a 4421 का होल स्क्वायर, ठीक है? बोलो हाँ कि ना। क्या ये प्रूविंग कराया था मैंने क्लास में, वो आपको वहां से देखना पड़ेगा, मैंने एनविटी सारा प्रूफ कराया, ठीक है? पूरा कट जाएगा, स्टेप कहां से, तुम्हारा शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ गलत है। अरे भाई तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, स्टेप तो तब होगा ना जब तू उसको लगेगा भाई सामने वाले को कुछ आता है, तुम गलत फॉर्मूला लिखा, तुम उसके से गलत सब निकाला, तो कहां नंबर देगा। क्यों नॉर्मल ब्रेक करेंगे, हाँ दो ब्रेकअप तुम्हारा हुआ है ना, बोलो नहीं हुआ क्या, कभी नहीं हुआ क्या तुम्हारा, नहीं तुम्हारे बगल में उसका हुआ है ब्रेकअप, ब्रेकअप हुआ है? अरे ब्रेकअप मांग रहे वो लोग, वही हाँ क्या चीज, क्या चीज, हम तो पूछ रहे, नहीं बताना तो ऐसे बोल दो, आई एम नॉट कंफर्टेबल
आई एम नॉट कंफर्टेबल, ऐसे बोल दो सीधा मुंह पे, क्या दिक्कत है। 10 दिन से पूछेंगे, एक दिन बताएगा ही। हाँ मेरा पहले तुमने अपना नहीं बताओगे, हम अपना कैसे बता दे, तुम्हारा क्या दो कुछ भी ऐसे हवा में कुछ भी बोलने से मान लेगा क्या, गुरु को गुरु समझाए क्या। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू ए फोर्टी फोर माइनस वी टू द पावर 42 थैंक यू मानवी 44 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एट अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअरियल स्टूडेंट्स स्टडी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डेक्रीमेंट्स, मोर्टैलिटी, नॉट प्रोग्रेसिंग विद देयर स्टडीज बट स्टेइंग विद द कंपनी, लीविंग द कंपनी टू ज्वाइन अनदर एम्प्लॉयर। सो क्या क्या बोला है, डेक्रीमेंट्स, डेथ बोला है, फिर बोला है विड्रॉल, और क्या बोला है, ट्रांसफर। द फोर्सेस ऑफ मोर्टैलिटी, विड्रॉल एंड ट्रांसफर आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी कॉन्स्टेंट ओवर इंडिविजुअल ईयर्स ऑफ स्टडी। इन एडिशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ स्टडी अ प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल कंप्लीट देयर स्टडीज एंड विल बी डीम्ड टू हैव क्वालिफाइड। ठीक है। The following forces of decrement will apply for each year of study. The proportion of students who qualify each year is as follows. Calculate showing all working the probability that a student who starts the program will qualify while still being at the company. कैसे करेंगे बताओ, तुम बोलो। मतलब तुम समझा, पहला तो है कि 3 चीज से बचना। पहला बोल रहा है कि मोर्टैलिटी, विड्रॉल और ट्रांसफर से बचना, उससे बच के जो बचेगा उसमें भी 3% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और हम लोग को सारा म्यू दे दिया है। ठीक है, चलो चालू करो, इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इज एक्टिव, तो क्या करेंगे एक्टिव के लिए, जैसे पहला साल मैं बता रहा हूं ई टू दी पावर माइनस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.25, ये पहला साल का हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस बोलो 0.025 प्लस 0.1 प्लस 0.35। फिर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 0.03 प्लस 0 प्लस 0.45। फिर इंटू इंटू इंटू, अब बताओ इंटू इंटू में क्या होगा, यहां पर होगा 3%, 12% और यहां पर होगा। ठीक है, सो बेसिकली अब देखो मेरे पास सुनो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट एट द कंपनी क्वालिफाइंग एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज दिस। पहला साल के एंड पे वो क्वालिफाई कर गया, फिर
that a student is active at the end of year 2 given they were active at the start of year 2. So second year में active रहने का ये है और qualify करने का ये है, but पहला साल में अब चीज समझो, अब second year के लिए क्या होगा ना, second year में अगर वो qualify करेगा मतलब क्या, पहला साल active, दूसरा साल active और फिर दूसरा साल qualify, समझा, पहला दो साल active रहा फिर second year के end पे वो क्वालिफाई किया, तो सेकेंड ईयर का क्वालिफाई का खाली ये नहीं होगा, ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, कौन सा वाला बोलो, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, हाँ ठीक है, ये भी होगा, मतलब इट विल बी एक्टिव इनटू नॉट क्वालिफाई इंटू एक्टिव इंटू सेकेंड ईयर में, या फिर इसको शॉर्ट में लिख दे तो एक्टिव इंटू नॉट क्वालिफाई वन इंटू एक्टिव इंटू क्वालिफाई टू, ठीक है, देख लो इसको, तो खाली इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, खाली इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, देख लो इसको, सो नॉट क्वालिफाई वन इज व्हाट 0.97, फिर इसके बाद में ईयर थ्री का तो ठीक है, फिर ईयर थ्री पे क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे बताओ, सो बेसिकली एक्टिव वन इंटू नॉट क्वालिफाई वन इंटू एक्टिव टू Not qualified 2 into active 3, ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग एड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, सो हम लोग क्या एड करेंगे, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर और फिर प्लस थर्ड ईयर, क्लियर है सबको, हाँ या ना बोलो, छह नंबर पे आइए, इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ 30 ईयर कंबाइंड डेथ एंड सिकनेस पॉलिसी टू अ हेल्दी लाइफ एज 25 एग्जैक्ट, सो एक्स इज व्हाट 25, एन इज व्हाट 30, ठीक है, द ईपीवी ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी आर सेट आउट इन द एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब इन वर्ड्स The benefits provided by the policy, you may assume the time periods are measured in years. अब हम लोग चालू करेंगे यहां से, पहला ए का बताओ, ए का बताओ क्या हो रहा है इसमें, 50,000 मिलेगा, कब मिलेगा, जब जब वो मर जाएगा, बोलो ना मुझसे, जब जब वो मर जाएगा, एक ही बार मिलेगा जब वो मरेगा, या तो हेल्दी से मर जाओ या पहले तुम सीखो और फिर मरो, दूसरा वाला बोलो, तुम बोलेगा दूसरा वाला, मिनिमम छह महीना सीख रहेगा तो ही मिलेगा, छह महीना सीख हो के मरेगा तो, नहीं तुम क्या बोला, बोलो दोबारा से, सीख हो के मरेगा, हाँ छह महीना सीख है के मरेगा,
लमसम है कि एनविटी है पहले ये बताओ। हाँ पहले तो वो सिक हुआ, ठीक है सिक सिक मिनिमम कितना महीना रहना पड़ेगा, 6 months एंड देन अगर वो मर गया तो ठीक है। अ लमसम पेबल इमीडिएटली ऑन एंटरिंग द सिक स्टेट वेयर द अमाउंट पेबल इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसी होल्डर विल बी कंटिन्यूअसली सिक फॉर एटलीस्ट 6 months एंड देन डाई फ्रॉम द सिक स्टेट बिफोर एज 55। तो मतलब अगर मान लो 54.6 हो गया तो क्या वो पॉलिसी खत्म हो गया? यस, क्योंकि 54.5 के बाद पॉलिसी का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मिनिमम 6 महीना के लिए अगर तुम सिक नहीं हुआ और अगर तुम मर गया तो फिर तुमको पैसा। सो दो कंडीशन है, क्या है दो कंडीशन? पहला है मिनिमम 6 months के लिए तुमको सिक होना पड़ेगा और फिर यहां से तुमको मरना पड़ेगा। थर्ड वाला तो बहुत ईजी है, क्या होगा बताओ? ये कंटिन्यूअस मिलेगा, जब जब तुम सिक होगा तब तक तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। 5,000 पर एनम पेबल कंटिन्यूअसली वाइल अ पॉलिसी होल्डर इज सिक, ठीक है। 7 में आइए, 7 कौन बताएगा बताओ? यस यू इन द मिडिल, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। अ कंपनी इश्यूज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी पेइंग कूपन्स एट द रेट ऑफ 6% पेबल हाफ ईयरली इन अरियर्स। ठीक है, कूपन रेट है ये तो खुशी। एग्जाम का तैयारी तुम्हारा कैसा चल रहा है? ठीक क्यों, मतलब वाई ठीक? ऐसा बात नहीं है, एक्सेल का क्या हाल है? डू यू फील योर एक्सेल इन एक्सेल? अच्छा तुम्हारा एक्सेल का क्या हाल है, चल रहा है? The security is to be redeemed at 103% on any coupon payment date. On any coupon date from 10 to 15 after issue. Income tax, capital gain tax दे दिया है, minimum net yield of 5%. बताइए खुशी जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे? मेरे को ऐसे नहीं समझ में आता है। हाँ तो आईपी मतलब क्या? I2 निकालूंगा कितना रेट पे और इसको कंपेयर करेंगे किससे, 1 माइनस इनकम टैक्स का रेट विच इज 0.2 है ना, इंटू डी बाय आर विच इज 6/103। यहां से गेन और लॉस का पता लगेगा, कैपिटल गेन है कि लॉस है। अगर गेन है तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इज व्हाट? एंड वाला मतलब 15 लेके सबको बनाएंगे। अब 15 लेके सबको बनाएंगे तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, तुमको बताना है खुशी। यस 6 × 0.8 × A 15 व्हाट 2 एक्सीलेंट दिस इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ऐसा बात नहीं है, अब हम लोग वी आर एबल टू राइट? नो, पेपर बी में कितना पेपर हो गया? कुछ पूछ लिया, गलत पूछ लिया क्या? तुम लोग को पता है ना, अगर तुम लोग ए और बी और टाइपिंग संग में नहीं करेगा तो फिर तुम लोग फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
शो यूजिंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स ए बार पेज नंबर 57 हट नहीं अब हमको नहीं हट यार तुम लोग सब क्या है यार तुम लोग आज मार ही देंगे सच में समझा नहीं शर्म आता है मेरे को नहीं नहीं अरे नहीं 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 अरे पता है तुम लोग सब मेरे से प्यार करता लेकिन ठीक है सब लिखने का क्या दरकार था बताओ बोर्ड पे नहीं ये ऐसा सिस्टम हमने बनाया मैं जब पोडियम पे आता हूं तो रिकॉर्डिंग ऑन मैं जब पोडियम से निकलता हूं तो रिकॉर्डिंग ऑफ ठीक है इट्स हाई टेक इनफैक्ट नैनो टेक क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ ए बार एक्स वाई 2n ये कराया था ना ए बार एक्स 1n इज व्हाट ए बार एक्स वाई माने 1 और 2 का सम बेसिकली ठीक है ए बार एक्स टू वाई एन सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टीपी एक्स वन माइनस टीपी वाई म्यू एक्स प्लस टी मैंने समझा x विल बी द सेकेंड वन टू डाई एन ईयर्स के अंदर जब x मरेगा तब तक y मर चुका होगा सब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दिस विल बी इंटीग्रेशन जीरो टू n e टू द पावर माइनस डेल्टा t टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू n e टू द पावर माइनस डेल्टा टी टीपी एक्स वाई म्यू एक्स प्लस टी तो क्या आएगा बताइए अब यहां पर हा ए बार एक्स वन एन माइनस ए बार एक्स वन वाई होगा नहीं क्या x पहले मर रहा है ना फिर इसके बाद बोला है 1 लाख ए बार 5251 निकालने बोला है ए एम 92 7% तो कैसे करेंगे यहां पर x और y दोनों बराबर है और n मेरा कितना है 1 है सो दिस इज व्हाट a बार 51 माइनस a बार 50 151 और ये वाला जो है ये मेरा क्या हो जाता है याद आ रहा है दिस इज हाफ a बार 50-50 जॉइंट मैंने समझ गया ना यही तो था जब तुम्हारा वन था तो क्या था जॉइंट में आ रहा था ये नहीं याद आ रहा है कंटिंजेंट वाला देखो उसी से क्वेश्चन आ रहा है नहीं नहीं क्या बोल रहा है सारा क्वेश्चन जो भी किए सुबह से सब कंटिंजेंट से ही आ रहा है उसको रिवाइज करो घर में जाके 1-2 वाला को वो लोग को एक्चुअली पता है तुम्हारा नस पता है कि कहां दबाने से उसको दर्द होगा समझा वही वही एग्जाम में वो दबाएगा देख लेना तुम बोलेगा हाइला ये तो मेरा डाउट रह गया हाइला ये तो मैंने किया नहीं हाइला जादू लोग एग्जाम में यही करेगा देख लेना पूरा ऐसा नस पकड़ लेगा ना तुम लोग का वो लोग पकड़ समझा नहीं वो लोग जानता है 70% बच्चा एक्चुएटर से पढ़ रहा है सर हटा दिए रिवर्सरी एनुटी हटा दिए वहां से देगा ही नहीं
समझ रहे हैं वो लोग नस, तुम समझ नहीं रहे, यही सब देगा एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स सुबह से किए ही क्या है हम लोग, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स राइट, और क्या किया बताओ, ये किए कंटिजेंट, ये तो दो तीन दो चीजें से मिला मिला के दे रहे हैं, ठीक है। ए बार 50-51-1, अब देखो ए बार 50-51-1 इज व्हाट, 1.07 टू द पावर 0.5 वी 1 माइनस पी 50 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये कैसे होगा बोला, ए बार 51-1 इज व्हाट, 1.07 टू द पावर 0.5 वी क्यू 50, ये वाला प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो घर पे, ठीक है। यहां पर बोलने का मतलब क्या है, ये वाला पहले मरेगा, बट दोनों का तो मोर्टेलिटी फीचर सेम है, इसलिए जॉइंट लाइफ बना दिए, और दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ होगा ना, इसलिए हाफ, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि ये पहले मरेगा, तो या तो ये पहले मरेगा या फिर ये पहले मरेगा, सो दोनों का मोर्टेलिटी फीचर्स क्या है, सेम है, इसलिए हाफ, ये ना देखो मैंने करवाया है कॉपी में, ठीक है, बोलो। तो आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे घर में जाके, हाँ ज्यादा मत बोलो हर्षिता, भाई क्या लिखा है, नहीं क्या लिखे हैं सर, ठीक है। रोक देंगे समझा, हमको नहीं जाना है 10 पेज पीछे, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग डाउट क्लियर नहीं करते, बोलो। नहीं चल रहा है 9 नंबर सम क्वेश्चन नंबर 9, ये लोग क्लास थोड़ी करने हैं, लोग मम्मी को बोल के आया है, बोर हो गए हैं घर पर, जा रहे हैं, ठीक है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हम माथे नहीं लगा आजकल तुम लोग से, हम नहीं सक सकते भाई तुम लोग से, एफ जीरो दे दिया है, तुम लोग को भी एग्जाम में दे देगा, ये सम ये सम ये सम ये सम, इट इज अंडरस्टूड, यू आर न्यू इन द क्लास, ओके। एफ जीरो कॉमा वन मीन्स एफ जीरो, लड़की अगर बोल दी आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू, इट इज अंडरस्टूड ना कि 2 महीने में बात बनेगा, ठीक है। चलो हर चीज मेरे संग हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो अगर मना करना तो डायरेक्टली मना कर देती, ठीक है, इधर वो बता दे रहे तुम लोग के संग अभी होगा, कॉलेज फर्स्ट ईयर में गया है, हाँ अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में गए ना, अभी नया नया होगा तुम लोग, रुको थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर में ना अभी तुम लोग, सेकेंड ईयर में कौन कौन है, हल्का हल्का सा फील एक बार हो ही गया होगा, ठीक है। अरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बाड़ी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। थर्ड ईयर तक जाते थे तो बस उठ जाएगा भरोसा, उठ जाएगा छोड़ो अभी और सम भी बनाना मेरे को, हाँ हमको नहीं क्लियर करना है डाउट। F2
अंडरस्टूड था वैसे वो कि कॉमा में बनी है, ठीक है। होंगे तो मौका मिलेगा ना। चलो आओ छोड़ो एफ नहीं डस्टबिन, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। एफ 3.1, एफ 3.1 कैसे निकालेंगे बताओ तुम लोग ना, जबरदस्ती में से उगलवा लेते हो सब चीज, ठीक है, ठीक बात नहीं है सब, ठीक है। ये देखो पहले वाले के लिए ऐब हो गया, बस मजा हो गया ना। अब एफ 2.1 ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है। सो ईयर 3 और 4 का ही अक्यूमुलेशन फैक्टर है। फिर बोला है कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग एंड गिविंग योर आंसर्स एज अ परसेंटेज टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यस यू इन द मिडिल, क्या नाम है तुम्हारा? यस, ठीक है। एक मिनट, ऑल पॉसिबल स्पॉट रेट्स, ऑल पॉसिबल। तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, निकालना तो छोड़ो, क्वेश्चन ये है कि क्या क्या स्पॉट रेट हो सकता है इस क्वेश्चन में, ये बता दो बस तुम। फिर देखो तुम उधर देख रही हो, इधर देखो। आई सेड इन द फर्स्ट, लुक एट द बोर्ड। बोलो तुम बस खाली ये ही बता दो कि क्या क्या स्पॉट रेट होता है, और तुम ये बता दो मेरे को कि ये स्पॉट रेट है कि कोई जो बोला आज देख लेना, रिश्ता खत्म, हम पहले ही बोल रहे हैं आज, ठीक है। तुम सुना नहीं, रिश्ता खत्म बोले। यस, सुनो क्वेश्चन पहला ये है, एक मिनट, या क्वेश्चन पहला ये है कि क्या क्या स्पॉट रेट होगा, बोलो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्या क्या स्पॉट रेट होगा, बोलो। हाँ, वाई, बोलो। मैं क्वेश्चन ये पूछा कि क्या क्या स्पॉट रेट होगा, बस ये बताओ। द चुंगम गैंग, बोलो। तुम नौगांव से हो, द लैंड फ्रॉम वेयर मेनी एक्सपर्ट पीपल हैव started their career and many are qualified today. Bolo. Yes. Small place in Guwahati, Naugaon. Dibrugarh ka hai. Guwahati se bhi hai, main bata dunga. वो पैदल जाएगी, समझो बात को। बोलो, एक्सीलेंट। वाई वन, बस तुम खाली वाई बोल के रुक गई भाई। ठीक है, सुनो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये फॉरवर्ड रेट है कि ये स्पॉट रेट है? क्यों?
तो क्या हुआ? तो ये किसके बराबर हुआ? तू मत ट्राई कर भाई, तू मत ट्राई कर। क्यों? अच्छा चलो इसी लॉजिक से चलते हैं, ठीक है? गेट द लॉजिक। अगर ये वाई वन के बराबर है तो ये नहीं, अरे तुम लोग को समझाने थे ना लास्ट क्लास। ये वाई वन के बराबर है तो ये फिर चालू करो राइम वाई टू। एक मिनट, क्या ये ट्रू है या ये ट्रू है बोलो? ओके, नन ऑफ द अबव। नहीं है, नहीं है। स्पॉट रेट निकालेंगे कैसे अब ये बताओ। चलो वो सब तो ठीक, बोलो ऐ बोलो बोलो, स्पॉट रेट कैसे निकालेंगे बताओ। वेरी गुड, वाई वन इज एफ जीरो इज 4.2%। ठीक है, दूसरा वाला बताओ, ट्राई करो। यस थ्री को नाइन से इंटू करना है, देखा है कि नहीं? ए ईशान तेरा एग्जाम कैसे गया? बिंदास, देखा तुम्हें बिंदास। These spend right only when the person speaking is correct. वन प्लस वाई टू का वन प्लस एफ जीरो तुम लोग सबको भी मिलेगा। फिर हम लोग लिखेंगे वन प्लस वाई थ्री का क्यू वन प्लस एफ जीरो वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ। मैं बोला एक बात बताओ, तुम्हारा ये चैप्टर हुआ नहीं है? सॉरी, मेरे से सुनने में नहीं, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों निकाला है तो एफ थ्री वन निकाला है तो यहां पर डालेंगे भाई, जो चीज निकाला है उसको तो यूज करेंगे ना। एफ टू टू नहीं लिख सकते हैं, एफ टू टू का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन शायद मेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी, आई एम रियली सॉरी। कैलकुलेट यूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आंसर करेगा, अरे तुम ही आंसर करेगा रे भाई। कैलकुलेट यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन एंड शोइंग योर वर्किंग द एनुअल इफेक्टिव ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड ऑफ अ 4 ईयर बॉन्ड रिडीमेबल एट 105% विथ अ 2.5% कूपन पेबल एनुअली इन अरियर्स। ओ माई गॉड। ऐ सुन, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो तुम समझ लेना, ढंग से बोल, उधर मत देख, बोल। इधर भाई अब भी हम लोग किए, बता ये सब जस्ट अब भी हम लोग किए भाई। ऐसे करेगा तो चलेगा बता भाई, ऐसे करेगा तो नहीं होगा भाई। भाई ना डिग्री मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा तो कोई को अपनी नौकरी नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा भाई।
तो कैसे चलेगा भाई बता, ये बे अभी जस्ट किया, अगर नया होता तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट इसको किए। छोड़ दो, हम क्या ही बोलेंगे, ठीक है भाई मेरा ही गलती, हम तो बोल ही रहे। 2.5 105 है क्या तुम्हारा, पे हमको कोई भरोसा नहीं है अब। कर दिया ना हार्दिक बात, कर दिया तो शायद मेरे में कुछ गलती रह गई होगी, आई एम रियली सॉरी। ये देखो ये देखो, ये लोगों क्या लगा ऐसा क्वेश्चन देने से डर जाएंगे, एक पेज का क्वेश्चन देने से डर जाएंगे, डरते हैं क्या, आ जा, ये एक पेज का क्वेश्चन दे देगा तो क्या डर जाएंगे, इससे ज्यादा लोपा क्वेश्चन जीवन में नहीं देखा होगा, ठीक है। जो देखेगा ना बड़ा है क्वेश्चन देखेगा, एक पेज डेढ़ पेज पहले वो ही करेगा, माने ये समझ जाना कि भूसी बम है। अरे जैसे चॉकलेट बम नहीं जलाता तुम लोग, चॉकलेट बम मतलब जो जलाया और जलाई नहीं, हम लोग अपना पाड़ा में भूसी बोलते थे, ठीक है। ये समझ रहा है, अभी देखो इसको लेते हैं क्वेश्चन को कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ 3 ईयर विदाउट प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस, द सेम सम इश्योर्ड इज पेबल ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ इफ अर्लियर, प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी अंटिल अर्लियर डेथ, सरेंडर्स आर ओनली अलाउड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर, द सरेंडर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द प्रीमियम्स पेड टू डेट एंड इज पेबल एट द टाइम ऑफ सरेंडर विदाउट इंटरेस्ट प्रीमियम्स अक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अ कलीग हैज स्टार्टेड टू कंप्लीट द प्रॉफिट टेस्ट फॉर दिस पॉलिसी, अनफॉर्चुनेटली दे हैव मिसलेड द प्रॉफिट टेस्टिंग बेसिस, द ओनली डिटेल्स दे कैन रिमेंबर आर द एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अर्नड ऑन कैश फ्लोज इज कॉन्स्टेंट, रिन्यूअल एक्सपेंसिस पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पॉलिसी इयर्स आर द सेम, रिन्यूअल कमीशन इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम एंड इज पेबल एट द बिगिनिंग, द रिस्क डिस्काउंट रेट इज, देखा तो लोग, तू समझा, तू समझा, तू नहीं समझा, मैंने आधा पैसे तो यही गायब कर दिया है, इसे कुछ भी कारण का था, अब मिसिंग एंट्री निकालने बोल रहा है, मिसिंग एंट्री निकालने बोल रहा है। चलो आओ बताओ कैसे करेंगे, QX AQ AP एंड देन क्यूमुलेटिव T-1 AP हो जाएगा। AQX सरेंडर, बोलो कैसे निकालेंगे, तुम बोल, बोल भाई, अरे क्या म्यू निकालेगा रे भाई, तू म्यू निकालने का दरकार है, बोला सरेंडर खाली एंड ऑफ द ईयर पे ही होगा, तो डेथ आजाद है, पूरा साल में खाली एक ही डिक्रीमेंट हो सकता है, वो कौन है, डेथ, और जो नहीं मरेगा वो लोग का एक सर्टेन परसेंटेज सरेंडर करेगा, तो बोलो 1-Q
इंडिपेंडेंट जैसे तुम्हारा 1-0.004251 × 0.05 ये आ गया। फिर बोलो एक्यू एक्यू आ गया, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एपी, एक सेकेंड एपी आ जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, गुड वेरी गुड, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे एपी 62 को, क्योंकि टी माइनस 1 एपी 62 है वो। तो पहले वाले में टी क्या रहा होगा 1, दूसरे वाले में टी क्या रहा होगा 2, सो 2 माइनस 1 एपी 62 इज एपी 62। तुम बोली ओ अच्छा ठीक है तो फिर, और ये डी कैसे, ये क्या है यार ये छोड़ दो भाई, ये डी कैसे निकालेंगे, टफ लग गया देखा, ऐसे ही झांसा मिलेगा, वो स्त्री है बात याद रखना। हाँ क्या बोलना, हाँ वेरी गुड, पूरा साल में ये देखो, ये देखो ये रहा पूरा साल, यहां से ले यहां तक, पूरा यहां से लेके यहां तक खाली क्या होगा डेथ। अब जो यहां पर नहीं मरा, ठीक है जो नहीं मरा उसमें क्या होगा सरेंडर नॉट सरेंडर, सो ये क्या है मरना, अरे माता दुख रहे मैं बोल रहा हूं तो मेरा आवाज खराब है, तुम ऐसे ऐसे करी मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मरना ये पूरा है नहीं मरना, और ये पूरा है नहीं मर के सरेंडर करना। द इनकम्प्लीट कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ए बाबा प्रीमियम दे दिया, इनिशियल एक्सपेंस दे दिया, ए बाबा भाई रिन्यूअल एक्सपेंस 20 के नीचे क्या होगा 20 रिन्यूअल, इतना हड़बड़ी मत करो बच्चे, हाँ सेम सही बोला 20-25 ये हो गया, ये तो मुंह बोली हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट ओ माय गॉड, तुम समझा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ना 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 सेकेंड वाला कॉलम से पहले करेंगे फिर उप, वेरी गुड बताओ कैसे, मैं समझा नहीं, 5000 आई एम नॉट हैप्पी, I'll say 242.75 divided by, अब बोलो क्या बोल रही हो, 5000 माइनस 20 माइनस 125 बस, ये जो पर से कितना है देखना देखना फटाफट देखना, अरे कैलकुलेटर कहाँ है रे भाई, 5% पहले वाले में भी क्या लगा देंगे, ये तो मजा आ रहा है भाई, ये बचपन में जो नहीं खेलते थे, नहीं नहीं वेरी गुड, ए ये वही लग रहा है ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट आ गया है मेरा, देखो मेरा क्या क्या हो गया एफ जी और ई हो गया, ई बाबा एफ जी हो गया तो एच भी हो गया, कौन सा ये पागल है क्या, ये पूरा तुम्हारा जिसपे इंटरेस्ट लगना है इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, बेसिकली ये कितना आ रहा है ये नीचे वाला 4, हाँ भाई 4855 इंटू
आई इज वॉट, ठीक है, इसी को कहते हैं नाम बड़े, मतलब देख लिए ना, आगे से डरना मत कभी भी पेपर से। वो लोग माइंडसेट क्या है, माइंडसेट यही है, शुरू में दो दो फेंको, बच्चा डरेगा, फिर सहमा सहमा पेपर करेगा, फेल। नहीं, हम लोग उल्टा चालू करेंगे, पहला तुम देखा नहीं पेपर का बटन, ये देखो तुम लोगों को पकड़ेगा कहां पर, हाँ तुम लोगों को यहां पकड़ेगा, तुम लोगों को 7 नंबर का क्वेश्चन में पकड़ेगा। ये जो 5, 6, 7 वाला जो है ना, ये पार हुआ नहीं कि बस, हमको अगर पकड़ना होगा पेपर को तो पहले हम चालू ही करेंगे टर्म स्ट्रक्चर, उसमें क्वेश्चन घूम ही नहीं सकता है, समझ गया। पहले अपना कोर समझो, ये सब पूरा रट लेना, पता है एकदम पूरा रट लेना, तुम समझ नहीं रहे अभी 40 दिन कितना जरूरी है तुम लोग के लिए। हाँ तुम थप्पड़ खा जाएगा मेरे से, समझा, सुनो ये हो गया, इसके बाद बोलो ये ला, इसके बाद और क्या निकालना है बोलो। तो एक्सपेक्टेड डेथ बेनिफिट के लिए क्या चाहिए मेरे को, अरे ये तो डिपेंडेंट वो दिया है ना, तो कैसे निकलेगा बताओ, आई कैसे निकलेगा, हाँ नहीं, सबसे पहले तो तुमको वो निकालना पड़ेगा ना, सम एश्योर नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, सो दूसरा साल का जो है उससे पहले सम एश्योर निकालना पड़ेगा। जैसे दूसरा साल का क्या है 85 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 0.004251 है क्या, सो ये कितना आ रहा बताओ, 20,000 का सम एश्योर है, आप निकाल लेंगे। सरेंडर कैसे करेंगे बताओ, तुम समझा, सरेंडर में बोला है, क्या बोला है हर्षदा सरेंडर में, बोलो सरेंडर कैसे करेंगे बताओ, हाँ हाँ, तो सेकेंड फर्स्ट ईयर में सरेंडर कैसे निकलेगा, ठीक है सेकेंड ईयर का, वेरी गुड, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है ना, थर्ड ईयर में ये हो गया, सरेंडर वाला भी हो गया, और क्या है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मैच्योरिटी बेनिफिट इज व्हाट, 20,000 इंटू एपी थर्ड ईयर में, फिर प्रोटी निकालने बोला है और पीएसटी निकालने बोला है। अच्छा पीएसटी में कौन सा वाला कॉलम यूज करेंगे बता दो तो, वेरी गुड, टी माइनस वन एम्प्रेस्ड, टी माइनस वन एपी, ठीक है, फिर डिस्काउंट फैक्टर बोला यार, डिस्काउंट फैक्टर, नहीं 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 नहीं, डिस्काउंट फैक्टर जो आ रहा है, वो इंटरेस्ट है, टेबल के अंदर और टेबल के बाहर नहीं समझता है क्या भाई, एक मिनट रुको, टेबल के अंदर टेबल के बाहर नहीं समझता है, टेबल के अंदर कहां तक रहता है बताओ, तुम जब से आई हो ना, अब तुम ना हेयर्स को एकदम टच मत करना, ठीक है, हाँ यस यू, बिना हेयर्स को टच किए 5 मिनट बैठना है, ठीक है, फेस पे कैसे आ जाएगा, मेरे फेस पे तो नहीं आ रहा है, ये लोग का तो नहीं आ रहा किसी का, क्लिप चाहिए,
अभी एक तो पिक्चर आया था रोबोट वाला, हाँ हम देख लिया, अच्छा लगा। नहीं हमको तो अच्छा लगा, हम लोग को यही सब में अच्छा लगता है। फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी ताई जी, मेरी चाची जी, भैया का बेटा, मेरा भाई, मेरा एक मामा का पोता आया था, वो गया था। बस सुनो सुनो, कुछ भी बोले जाए, कुछ भी सुनिए, सुनो, छोड़ो, तुम लोग, तुम लोग से फालतू बात करो, तुम लोग खाली फालतू बात करते हो, ठीक है? टेबल के अंदर क्या है और टेबल के बाहर क्या है, पहले ये बताओ। टेबल कहाँ खत्म हो रहा है? प्रोटीन में। जो बच्चा ये बोला है कि 5% लगा डालूंगा, क्योंकि प्रोटीन के बाद क्या है? टेबल के बाहर, वेरी गुड। प्रोटीन के बाद क्या है? तो टेबल के बाहर क्या लगेगा? आर डी आर। और टेबल के अंदर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैश फ्लोज। और टेबल के बाहर तो आर डी आर 4048.95। बहुत प्रोबेबल है कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग के टर्म में आएगा, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड नया युग में ये लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इंटेंसिव चीज उतना नहीं देंगे, दे विल मोर ट्राई टू बिकम प्रैक्टिकल। लाइक अभी हम लोग यूके बेस्ड बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, हैड इट बीन द यूएस बेस्ड बोर्ड, सो इट्स अ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सो वहां पर बेसिकली आपको पूरा रियल में ये टेबल बना देता, ठीक है, एंड आपको कैलकुलेट कर करके वहां पर फिगर्स डालना पड़ता। तो ये लोग बेसिकली उस ये क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा नॉलेज भी टेस्ट हो जा रहा है, और अपने को सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, हम लोग मतलब क्या कचरा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब, हाँ भाई पूरा दिखाया है। तुम क्या हार्दिक को फोन कर लेगा, पूछेगा बताओ नंबर वन नंबर टू। मैं कहता था तुझे दोस्त अच्छे बना, 3-4। लेकिन एक मिनट, प्रॉफिट सिग्नेचर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है, सो ये तो 2 साल का हो गया ना, मतलब 4048.95 स्क्वायर इज व्हाट है ना, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, बस हो गया और क्या, अब हो जाएगा तुम लोग से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चले आगे। वाई नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक, पानी पियो, जाओ पानी भर के लाओ, 1 मिनट वाटर ब्रेक, जाओ जाओ पानी पी लो, जाओ। वाटर ब्रेक थोड़ा था, ब्रेक ले लेके पढ़ो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। एसी चलो, एसी चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 11। वॉइस आ रहा है सबको ऑनलाइन में? आओ। अ लाइफ इज 30 एग्जैक्ट, सो एक्स कितना है? एक्स है मेरा 30, एन कितना है? ठीक है, टर्म एश्योरेंस लेवल मंथली प्रीमियम्स आर पेबल इन एडवांस थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीजिंग ऑन डेथ एंड द सम एश्योर्ड ऑफ, सम एश्योर्ड ऑफ 2,50,000 इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ। मंथली प्रीमियम निकालना है, सेलेक्ट 4%, 250 प्लस 60% ऑफ द फर्स्ट मंथली प्रीमियम, रिन्यूअल इज 3% ऑफ द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट मंथली प्रीमियम। बोलो, बोलिए, मंथली प्रीमियम निकालने बोला है, बोलो। 12p adu 30 सेलेक्ट, थर्टी सेलेक्ट, 35, 12, 2,50,000 ए बार, ठीक है, प्लस 0.57p प्लस 250 प्लस 0.03 इंटू 12p, इसे यहीं पर ले लिए, ADU, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली चार्जेस द प्रीमियम 50 पर मंथ, द कंपनी कैलकुलेट्स ग्रॉस प्रीमियम रेट्रो रिजर्व्स 6% एट एज 55, मेरे को निकालना है रेट्रो निकालना है 6% पे, बोला है जब उसका एज 55 हो जाएगा, मतलब 20 साल के बाद, नहीं 60% था ना, ठीक है, बोलो बोलो। अब रेट्रो निकालने बोल रहा है, रेट्रो कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? कीर्ति बोलेगी, बोलो, नहीं तमन्ना लोहिया बोलेगी, बोलो बोलो रेट्रो बोलो। 1 प्लस i टू द पावर 25, बोलो, L30 सेलेक्ट बाय L55, फिर बोलो प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस होगा ना, सो 0.97 इंटू 12 इंटू 50 इंटू ADU 30 सेलेक्ट 25, 12, मतलब जितना भी प्रीमियम आया पिछला 25 साल में माइनस, बोलो 50 का 0.57 लग गया, और फिर 2,50,000 क्या होगा बोलो, ए बार 30 सेलेक्ट, क्योंकि पहला 25 साल में खाली टर्म बेनिफिट हो सकता है, माइनस 250, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी इज प्रपोजिंग टू कैलकुलेट रिजर्व्स बट अडॉप्टिंग ग्रॉस प्रीमियम प्रोस्पेक्टिव रिजर्व। अब ये वाला इंटरेस्टिंग है, अब हम लोग प्राइसिंग किए 4 पे, रिजर्विंग कर रहे हैं 6 पे, रिजर्विंग 6 पे कर रहे हैं ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रीमियम माइनस एक्सपेंस इज व्हाट, 6%
पे अक्यूमुलेट हो रहा है। प्रो में क्या होगा, एक्सपेंस माइनस इनकम टनेगा कितना पे, 6 पे, राइट। तो क्या हो रहा है देखो, अगर 4% पे करते, अगर 4% पे करते तो प्रो 4% और रेट्रो 4% सेम होता। अगर 6% पे कर रहे हैं, रेट्रो 6% पे ज्यादा होगा किससे, प्रो से, क्योंकि प्रो कम होगा रेट्रो ज्यादा होगा, अक्यूमुलेट हो रहा है ना रेट्रो में तो। एंड यही अगर मान लो देन यूजिंग इंटरेस्ट रेट 6%, नहीं एक्चुअली मैं लिखने ये वाला था कि रेट्रो एट द रेट 6% विल बी ग्रेटर देन रेट्रो एट द रेट 4%, प्रो एट द रेट 6% विल बी लेस देन। तो अल्टीमेटली अब तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो, ठीक है, वुड बी लोअर इफ यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रीमियम यूजिंग द सेम बेसिस। मतलब 6% पे देखो अक्यूमुलेट होने का फील हो रहा है ना, जब अक्यूमुलेट होगा ज्यादा इंटरेस्ट पे तो वैल्यू ज्यादा आएगा, जब टनेगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो वैल्यू कम आएगा, वही है। तो 6% पे अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, रेट्रो विल बी ग्रेटर देन प्रो। सो एट 6% रेट्रो विल बी ग्रेटर देन प्रो। हाँ तो प्राइसिंग का बेसिस पे लिखा है ना, 4-4 पे दोनों सेम होगा, प्राइसिंग एंड रिजर्विंग सबका बेसिस सेम होगा तो तीनों बराबर होगा, माने दोनों बराबर होगा। जिस पे प्राइसिंग किया है 4 पे, अगर उसी पे रिजर्विंग करेगा तो दोनों सेम होगा, ठीक है। बट तुम क्या किया, 6 कर दिया, तो वही बोल रहा है रेट्रो 6 पे ज्यादा होगा 4 से, प्रो 6 पे ज्यादा होगा 4 से, प्रो 6 पे कम होगा 4 से, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिस्काउंटिंग हो रहा है। तुम अगर 4 पे ही करता, तुम अगर 4 पे ही करता तो 4 पे करता तो क्या होता, तुम्हारा जो प्रो है और रेट्रो दोनों सेम आता, क्योंकि प्राइसिंग का बेसिस क्या है, प्राइसिंग 4 पे हुआ है। अब जब तुम 6 कर रहे हैं तो रेट्रो में अक्यूमुलेट क्या हो रहा है, ज्यादा पे हो रहा है, तो रेट्रो 6 विल बी ग्रेटर देन रेट्रो 4, प्रो पे टन रहा है तो प्रो 6 विल बी लेस देन प्रो 4। सो अल्टीमेटली क्या होगा, रेट्रो विल बी ग्रेटर देन प्रो, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर पे आइए, चलो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स टू ऑल्टरनेटिव 10-year एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ईच विद एन इनिशियल सम एश्योर्ड ऑफ 50,000। 10-year एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मेरा बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, 50,000, एक्स मेरा कितना है, For both products, level premiums are payable annually in advance. The benefits are payable at the end of the year of death. End of the year of death or on survival to the end of the term. Product A, a with-profit endowment insurance with an expected simple reversionary bonus of 2.1% per annum added at the end of each year. क्या बोल रहे? With-profit endowment insurance, simple bonus. सिंपल बोनस कितना का, 2.1% वेस्टिंग एट एंड ऑफ ईयर। एंडोमेंट इंश्योरेंस वेर द इनिशियल बेनिफिट इंक्रीजेस एट अ गारंटीड कंपाउंड रेट,
सो कंपाउंड रेट कितने का दिया है, के परसेंट अगेन वेस्टिंग एट एंड ऑफ ईयर. द कंपनी सेट्स के सो दैट द मैच्योरिटी बेनिफिट विल बी द सेम अंडर बोथ प्रोडक्ट्स. ओके ओके ओके, 10 साल का है ना. सो 50,000 प्लस 2.5 × 10. Now this will be equal to into, solve करो उसको पहले. Calculate the annual premium for each product AM92 Ultimate 6% effective. Hey, solve करो. अबे ये तो लिख ले खुद से भाई. भैया भैया क्या कर रहा है. चलो तो ए वाला क्या होगा बताओ. ए वाला क्या होगा, 10 साल का पॉलिसी है. सो पी ए ड्यू 55, 10, 48, 950, A1 55, 10, क्योंकि 2.1% ऑफ 50,000 कितना हो रहा है, 1050 हो रहा है, तो गिरा के लिखेंगे प्लस 1050 आई ए 55, 1, 10 प्लस 60,500. क्यों बोलो तो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहला साल में बोनस नहीं मिल रहा है पहला वाला, ठीक है ना. वी टू द पावर 10, 10 पी बोलो 55. और पॉलिसी बी में क्या हो जाएगा, पॉलिसी बी तो यार बहुत सिंपल है. 50,000 में पहले डिवाइड में लेंगे 1.01924, याद आ रहा है ना. हाँ, तो अभी अंदर में क्या बन जाएगा, ए 55, 1, 10 कितना रेट पे बनेगा. आइडिया चार आ रहा है क्या, प्लस क्या होगा बताओ, सेम, क्योंकि दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू तो सेम ही है. क्योंकि पहला साल में तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, तो उसको करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर पहला साल में तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना. सो इसलिए डिवाइड में ले लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो पहला वाला में अंदर चला गया ना. अब फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करिए इसको, ये वाला बनाओ पूरा फटाफट. ये तो बैग भी पैक कर ली भाई. नहीं, हाँ बोलो, किस में भी मल्टीप्लाई होगा. हाँ, वी डैश ही तो, वो तो सम अंडरस्टूड है ना, कि वो डिवाइड किए तो ये वाला कितना पे आ रहा है, ये वाला तुम्हारा 4% पे आ रहा है. ये तो अंडरस्टूड है. करो करो करो. वेस्टिंग एट स्टार्ट होता तो फिर ये डिवाइड में कुछ आता ही नहीं. फर्स्ट वाले में पार्ट ए नहीं, पार्ट बी बोलो तुम. पॉलिसी ए की पॉलिसी बी पहले बताओ. पॉलिसी ए में हाँ बोलो, स्टार्ट होता तो 50,000 प्लस 1050 होता और फिर वो नहीं होता. हाँ हाँ, आई ए, हाँ हाँ हाँ, एंडाउमेंट इंश्योरेंस बना देते. हाँ 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 हाँ, प्रोडक्ट बी में डिवाइड नहीं करते. यस यस, कितना आ रहा है बताइए दोनों मेथड से. फटाफट
फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। वन पॉइंट नाइन टू थ्री जीरो एट, वही मोटा मोटी दे दिया। ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो। सॉल्व करिए। करो करो सॉल्व करो। सिक्सटी फाइव तक जा सकता है, 65 66। मेरे संग हुआ वह 61, मैं देखा, मैं पी फेल देखा नहीं एसपी में, 63 था पास, 64 था पास। इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है, अरे ऐसा कोई प्रोफेशनल एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता है। आई 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 फोर मिक्स, पहले मैं आई फोर में था। सो हाँ क्या है भाई, ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं, एक्चुअली मेरे को एग्जेम्पशन मिल गया ना आई आई में सीए से, दैट्स व्हाई एसपी। एंड आई एफ ओ के टाइम पे आई एम रियली बिजी द होल ऑफ अप्रैल। सॉल्व करो, डन। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब सुनो, आज हम लोग किए चार पेपर, नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मिलेंगे 8:30 AM, ठीक है, टू थ्री 30 PM, मतलब सिमिलर टू टूडेज टाइम। इस दिन हम लोग सॉल्व करेंगे पास पेपर, ये सैटरडे का हो गया, और फिर संडे हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे 8 AM टू 5 PM, ये वाला पास पेपर होगा, फिर हम लोग करेंगे एक्स असाइनमेंट। ग्रेट गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज हम लोग बहुत बहुत ही, अरे यार तुम लोगों बहुत अच्छा आज हम लोग किए हैं, ठीक है। सो क्या हम लोग एक सेल्फी लेते, रुको, ऑनलाइन ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग का तो नहीं हो पाएगा। हाँ तुम लोग आएगा क्या, सब लोग इसमें सब लोग आ रहे हैं क्या, मैं नहीं आ रहा हूं लेकिन सब आ रहे हैं क्या, सब लोग नहीं आ रहे इसमें। तुम लोग सब आ ही नहीं रहे पीछे वाला, एक मिनट रुको।
मेरे को आता नहीं यार। अब आ रहे सब लोग? फिर तुम लोग आगे ऑनलाइन में भी यार, सब लोग आज कौन कौन है मैं बताता हूं, ठीक है? ऑनलाइन में आज है आदिल, हर्षित, ननिका, यश, डॉली, देवांशी, प्रिशिता, अनिका, श्रेया, वेरी 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 गुड। और कौन है? प्रिशिता, खुशी चावला, रिनिशा, जयवीर, येशा, मिताली, प्रिशिता, अनिका, श्रेया, काश्वी, अंजलि, उदय, तीर्था, हेत्वी, दीक्षित, यश मारोटी, सुरुचि एंड नयन जैन। एक्सीलेंट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास सैटरडे, ठीक है? थैंक यू।